अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके बर्ड्स जो है वो फूल कर बैठ रहे हैं, बच्चे से देखा भी है, चेक भी कर लिया, आपको नहीं लग रहा कि उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनमें लूज मोशन है, ना ही फीवर है, बर्ड्स आपको फिट लग रहा है, लेकिन फिर भी वो घंटों फूल के बैठ रहा है, एक मेडिसिन बताऊंगा तो वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स कंटिन्यू लगातार फूल के बैठ रहा है, नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके बजीज पेड्स भी फूल के बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अभी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं वीडियो के नीचे, और काफ़ी मैसेज जो है इंस्टाग्राम पे भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी भाइयों के पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जो बजीज पेयर्स हैं वो फूल के बैठ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर मैं हालाँकि अभी मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो काफ़ी दिनों से मैं इस तरह के मैसेज देख रहा हूँ, और कुछ वीडियोज़ मैंने जिन भाइयों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है उनसे मैंने वीडियो भी ली, तो जो कुछ मैंने नोटिस किया वो मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आप भी वो गलती कर रहे हैं तो आप उस गलती को सुधार कर लें, जिससे कि आपके बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी और फिट रहे। दोस्तों बजीज पेयर्स जब फूल कर बैठता है तो फूल कर बैठता है उसकी कई तरह की अलग अलग कंडीशन होती है, तो सबसे पहले उसको हमें समझना है, उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये फूल कर बैठने की जो कंडीशन है वो एक तो ये होती है कि बर्ड्स जो है वो बीमार होता है, तो बीमार जब बर्ड्स होगा तब भी वो फूल कर बैठेगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी। तो जब बर्ड्स फूल कर बैठ रहा है तो आपको जो है बर्ड्स की एक्टिविटी को नोटिस करना है, उसको अच्छे से देखना है, उसको पकड़ के देखना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको लूज मोशन है, फीवर है, या कोल्ड है, या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। जब आप बर्ड्स को पकड़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, और एक बीमार बर्ड्स को जो है उसकी आंख देखकर भी आप पता कर सकते हैं। एक बीमार बर्ड्स जो होगा उसकी आईज जो है बिल्कुल डल हो जाएगी, और आईज की जो चमक है वो चमक नहीं रहेगी, और बर्ड्स जो है बार बार अपनी आईज को बंद करके बैठेगा। जैसे हम भी बीमार हो जाते हैं तो जैसा हम फील करते हैं वैसा ही बर्ड्स भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वैसे ही हमें देखने को मिलता है। तो बर्ड्स को अच्छे से पकड़ें, उसकी बीमारी को देखें, अगर फीवर है तो फीवर की मेडिसिंस का आप इस्तेमाल करें, लूज मोशन है तो लूज मोशन का ट्रीटमेंट करें, कोल्ड है तो उसका आप ट्रीटमेंट करें। तो पहले बर्ड्स को अच्छे से देख लें। अब कई बार ऐसा होता है कि एक हेल्दी बर्ड्स, फिट बर्ड्स भी जो है वो फूल कर बैठता है, तो उसकी एक अलग कंडीशन होती है। बर्ड्स का रेस्ट टाइम होता है, ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो दोपहर का जो समय होता है तो उस समय भी बर्ड जो है वो रिलैक्स मूड में जो है आपको बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि सुबह वो अच्छे से फ्लाई करता है, दाना खाता है, तो फिर दोपहर में वो रिलैक्स मूड में फूल कर, मतलब पैरों में मुंह डालकर बैठा रहता है। आप जैसे ही उसके पास छेड़खानी कुछ करोगे तो बर्ड्स बिल्कुल उड़ेगा, फ्लाई करेगा, ये सब आपको देखता हुआ मिलेगा। अब कई बार जो है हमारे सेट पास एक कॉलोनी है या हम केज में ब्रीडिंग ले रहे हैं तो जो कॉलोनी में बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो बच्चे भी जो है उसी कंडीशन में आपको बैठे हुए नज़र आएंगे कि ऐसा लगेगा कि वो बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं होते। पट्ठे बच्चे जो होते हैं जब वो कॉलोनी में या कहीं भी हम केज में चार पांच जोड़े रख रहे हैं तो वहाँ जब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वो आपको या तो नीचे फर्श पर ऐसे ही तरीके से बैठे हुए मिलेंगे, या आप किसी मटकी पर या स्टिक पर वो आपको इसी तरीके से बैठे हुए मिलेंगे। अब दोस्तों आते हैं हमारे मेन सिचुएशन पर, जो अभी मुझे वीडियोस देखने को मिले तो वो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मेन वजह क्या है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें। तो आप इन सभी बजीज पेयर्स को देखें, सभी बर्ड्स जो हैं बिल्कुल फूल के बैठे हैं और एक शांति भरा माहौल है, जबकि बजीज पेयर्स जो हैं इतना चिल्लाते हैं, चहचहाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शांति है, और बल्ब भी आप लगा हुआ देख सकते हैं। अब ये एक और वीडियो देखें आप, इसमें भी बल्ब का इस्तेमाल हुआ है और सभी बर्ड जो हैं बिल्कुल शांत हैं, चहचहाहट जो होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बल्ब का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाता है, पूरे ही दिन पूरी रात में बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है,
और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो फूल कर बैठता है। ये देखें बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अब आपको एक और वीडियो क्लिप में दिखाता हूँ। तो ये एक और सेटअप देखें, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये एक मास्टर केज समझ ले आप इसको, या एक रूम समझ लें, और उसके अंदर इन्होंने कॉलोनी बनाई है। तो ठंडी हवा से तो बिल्कुल सेफ हैं ये, सर्दियों के लिए बिल्कुल अच्छा है, और बहुत ही अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। तो वेंटिलेशन बर्ड्स के लिए छोड़ना ज़रूरी है, वो मैंने इनको बताया। और इनकी कॉलोनी में देखें एक बल्ब भी है, काफ़ी बड़ा बल्ब है। तो मैंने इनसे बोला कि बल्ब का इस्तेमाल आप इतना बड़ा कर रहे हैं, बर्ड्स को प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये एलईडी बल्ब भी है, ये वो पीला बल्ब नहीं है जिससे हीट पैदा होती है। तो मैंने कहा फिर तो चलो ठीक है, लेकिन एक हीटर भी आपको नज़र आया होगा नीचे, तो हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं ये। तो उसका मैंने मनाही किया कि हीटर का इस्तेमाल ना करें, इससे भी बर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखें यहाँ भी आपको उसी तरीके से खामोशी नज़र आएगी, एक चहचहाट नहीं है। तो दोस्तों आपने तीनों वीडियो क्लिप देखी, और जो भी मैंने बताया वो अच्छे से सुना भी होगा। तो काफ़ी सारे हमारे भाई जो हैं वो यही गलती कर देते हैं। हालांकि हर सर्दियों में मुझसे ये पूछा जाता है, काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बल्ब का इस्तेमाल करें या ना करें, कौन से बल्ब का इस्तेमाल करें। तो मेरा जवाब यही होता है कि भाई मैं अपने बर्ड्स का सेटअप में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैं किसी तरह का कोई बल्ब का इस्तेमाल नहीं करता हूं, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है क्यों नहीं करता हूँ, उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया भी है। तो मेरा जवाब यही रहता है, मैं अच्छे से भाइयों को बता देता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी हमारे नए हॉबिस्ट हैं वो ये गलती कर देते हैं कि बल्ब का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसमें काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि बर्ड्स जो हैं वो फूल कर बैठा हुआ है। तो बल्ब का इस्तेमाल जो है कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी भाई जो है पूरे ही दिन पूरी ही रात में बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बर्ड्स को रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है, फिर बर्ड्स वो बेचारा फूल के ही बैठा रहता है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी भाई जो हैं बिल्कुल केज छोटा होता है और उसमें भी बल्ब जो है हैवी वॉट का बल्ब लगा देते हैं, जिससे कि गर्मी इतनी पैदा हो जाती है कि बर्ड्स उससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बर्ड्स की जो रोशनी है आँखों में चुभती है, और टेम्परेचर जो है वो भी अप एंड डाउन होता है। जैसे ही आप बल्ब को ऑफ़ करेंगे 5 मिनट में ही एकदम सर्दी से गर्मी हो जाएगी, फिर गर्मी से सर्दी, जब भी ऑन करेंगे तो 5 मिनट में गर्मी, ऑफ़ करेंगे तो 5 मिनट में सर्दी। तो आप समझ सकते हैं कि बर्ड्स जो है क्या कंडीशन होगी बर्ड्स की। और छोटे केज में बिल्कुल स्टिक यहाँ पर है, नज़दीक में ही बल्ब लगा हुआ, तो बेचारा उसकी हीट से भी परेशान हो रहा होता है। तो बर्ड्स जो है कितना डिस्टर्ब होता है, बर्ड डिप्रेशन में रहता है, तो फिर वो बर्ड्स बेचारा फूल के बैठ जाता है। तो आप कोशिश ये करें बर्ड्स को बिल्कुल नेचुरल रखें। मेरे बर्ड्स जो हैं आपने देखे ही होंगे, आपने ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखी है, बच्चे जो हैं हेल्दी और फिट निकलते हैं, और नेचुरल रहते हैं तो जो बच्चे हैं उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है, सर्दी और गर्मी से लड़ने की उनमें ताकत होती है। तो जो बच्चे आते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो मैं अपने बर्ड्स को बिल्कुल नेचुरल रखता हूँ, और लाइट ऑफ भी मैं बिल्कुल सही टाइम पे कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी सर्दियों में बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से बर्ड्स को देख लें, बड़ी कॉलोनी है तो उस तरीके से आप बल्ब का इस्तेमाल करें, और छोटा केज है तो उस तरीके से बर्ड्स का इस्तेमाल करें कि बर्ड्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वेंटिलेशन के लिए एक स्पेस ज़रूर छोड़ें कि अंदर जो है हब्स ना बने, अंदर हीट ना बने, अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन ना हो। तो इन सब बातों का भी आप ख्याल रखें। और वैसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने बर्ड्स को नेचुरल रखेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपके बर्ड्स हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो फूल कर बैठ रहे हैं, बजरी तोते फूल कर बैठ रहे हैं, आपने उनको अच्छे से देखा भी है, चेक भी कर लिया, आपको नहीं लग रहा कि उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनमें लूज मोशन है, ना ही फीवर है, बर्ड्स आपको फिट लग रहा है, लेकिन फिर भी वो घंटों फूल के बैठ रहा है,
तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों इस कंडीशन में भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मेडिसिन बताऊँगा तो वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स कंटिन्यू लगातार फूल के बैठ रहा है और वो बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं फ़ोटो दे दूँगा तो आप ये फ़ोटो देख लेना। इस मेडिसिन का नाम है आइबुजेसिक प्लस, आइबुजेसिक प्लस सिरप है, ह्यूमन मेडिकल पे आपको मिल जाएगी, बच्चों की मेडिसिन है, फीवर और पेन में काम आती है और वर्क करती है। अगर फीवर भी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है कहीं ना कहीं काम करती है इस कंडीशन में भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। और अगर आपके बर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है और इस मेडिसिन से आपको फ़ायदा मिले तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो है एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों को भी हेल्प मिले। तो दोस्तों जितना हो सके, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।